गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। तो अभी इवनिंग के टाइम मैं किचन में आ चुकी हूँ और देखती हूँ डिनर में क्या बनेगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिनर में मैं बना रही हूँ आज, देखिए सब्जी, ये पोटैटो मैंने कट कर लिए हैं, धो के कट किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये 600 ग्राम पालक है, क्योंकि मुझे लीफी वेजिटेबल्स बहुत पसंद है इसलिए मैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। ये 600 ग्राम पालक मैंने धो के कट किए हुए हैं, मैं कभी भी काट के नहीं धोती, मैं धो के कट करती हूँ। और मटर मैंने छील लिए हैं, ये मटर आप लोग को दिख रहे होंगे। और मैंने यहाँ टोमेटो और ग्रीन चिली कट किए हैं, क्योंकि मैं इसमें पाउडर, रेड चिली पाउडर नहीं डालूंगी, इसलिए मैंने ग्रीन मटर और ग्रीन चिली कट कर लिए हैं। बाकी और मसाले अपना सॉल्ट और ये सब जो हल्दी वगैरह है, धनिया पाउडर, सब मसाले मैंने लिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड मेरा कढ़ाई गर्म हो गई है और मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, दैट मीन मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि बॉटल मेरी फुल है, मैंने अभी भी पैकेट खोला है तो बॉटल फुल है, इसमें इतना बच गया है, तो पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं बॉटल यूज़ करती हूँ। तो तेल, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म थी इसलिए तेल जल्दी से गर्म हो गया। अब मैं इसमें मसाले, सूखे मसाले डालूँगी, पंचफोड़न डाल रही हूँ, उसके बाद ग्रीन चिली ऐड करूँगी, और मैं चिलीज को ज़्यादा नहीं गरम जलाती हूँ, नहीं तो वो खांसी आने लगती है। अब इसमें पोटैटो ऐड कर दूँगी और इनको मैं फ्राई करूँगी, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इन्हें फ्राई करूँगी। देखिए पोटैटो हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैं इसमें अभी मटर ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करने के बाद अब इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट और डालना है वो डाल दूँगी। तो पहले मैं इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करूंगी, सॉल्ट, और इसी समय मैं इसमें टोमेटो भी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। अब कुछ देर के लिए इसको मैं ढक के स्लो टेम्परेचर करके ढक के रख दूंगी ताकि टमाटर गल जाए। अब देखिए वेजिटेबल में टमाटर और जो भी हम सूखे मसाले डाले थे वो सब फ्राई हो चुके हैं। अब इस समय मैं इसमें पालक ऐड करूंगी, थोड़े से डाल के इनको चला दूं, अदरवाइज चलाने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा टेम्परेचर हाई कर देते हैं ताकि पालक थोड़े गल जाए और बैठ जाए नीचे, नहीं तो पूरी कढ़ाई भर जाती है, तो चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। थोड़ा बैठ गया है, अब बाकी का पालक भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसको अच्छे से चला देती हूँ, चला के ढक के रख दूंगी स्लो टेम्परेचर करके, क्योंकि फास्ट टेम्परेचर करेंगे तो पालक जो भी जूस छोड़ेगा वो सब जल जाएगा और सब्जी जलने लगेगी, तो पहले स्लो टेम्परेचर करूंगी ताकि पालक जो भी जूस छोड़े उसमें हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए। अब इसको ढक के मैं ऐसे रख दूंगी, 500 पे कर दिया है। अब मैं अपने बाकी के काम, जब तक सब्जी पकती है बाकी के काम कर लूंगी, इसको धो के रख देती हूँ।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारी सब्जी बन चुकी है और बहुत ही यम्मी बनी है। बस इससे ज़्यादा इसे नहीं सुखाऊंगी मैं, थोड़ी सी गीली गीली रहती है तो खाने के लिए अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, एकदम सूख जाती है तो अच्छी नहीं लगती। तो हमारी सब्जी बन चुकी है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा और जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आएगी तो आप लोग ढेर सारे लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को रेसिपी आज की कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। अब तो व्लॉग मेरे बहुत छोटे छोटे आते हैं, वीडियो छोटा रहता है। तो कल फिर मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।